फ्रेंड्स, वो यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद आरती एंड गौरव। और आज हम दिल्ली में आए हैं और अभी हम मेहरौली के एरिया में हैं जहाँ पर कुतुब मीनार है। तो आज हम आपको कुतुब मीनार की विज़िट कराएंगे। तो इससे पहले कि हम अंदर एंटर करें, मैं पहले आपको यहाँ के टिकट के फेयर बता देता हूँ। अगर आप डेबिट कार्ड से पे करेंगे तो टिकट का फेयर है 35 रुपीज़, और अगर कैश से पे करेंगे तो 40 रुपीज़, और फॉरनर्स के लिए यहाँ पे जो एंट्री टिकट है वो है 600 रुपीज़। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये कुतुब मीनार के अंदर एंट्री होने का रास्ता है। और अगर टाइमिंग की बात की जाए तो ये सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुलता है। कुतुब मीनार की खासियत ये है कि यह ईंटों से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। अभी हम कुतुब मीनार के सामने खड़े हैं। इसकी स्थापना सन 1199 में हुई थी, शुरू हुई थी, और ये 1220 में बन के तैयार हुआ था। और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। और ये जो इसके, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो ये 72.5 मीटर ऊंचा है, जिसमें 5 मंजिलें हैं। और अगर फीट के अंदर बात करें तो ये 238 फीट ऊँचा है। कुतुब मीनार में सबसे ऊपर मंजिल तक जाने के लिए कुल 379 सीढ़ियाँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुतुब मीनार का जो वास्तुशिल्प है वो अफ़गानिस्तान में जाम की मीनार के वास्तुशिल्प से इंस्पायर्ड है। कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिलें हैं, जिनमें से नीचे की जो 3 मंजिलें हैं वो रेड सैंडस्टोन के पत्थर से बनी हुई है, और जो चौथी मंजिल है वो संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है, और ये जो पांचवी जो मंजिल है ये रेड सैंडस्टोन और संगमरमर पत्थर दोनों से मिलकर बनाई गई है। ये जो आप लोहे का खंभा देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये 2000 वर्षों से इसके अंदर जंग नहीं लगा है, जो कि अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। अब हम सुल्तान इल्तुतमिश के मकबरे पर आ गए हैं। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, और इनकी जो पहचान है दिल्ली को खूबसूरत बनाने वाले शासक के तौर पर होती है। कई बार मरम्मत होने की वजह से कुतुब मीनार की जो इमारत है वो झुकी हुई है। उम्मीद है आपको हमारे साथ आज का सफ़र बेहद पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे किसी नई जानकारी के साथ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।